मेरा नाम साइम है, मैं 22 साल का हूँ। मेरे साथ बहुत अजीबोगरीब घटनाएं घट चुकी हैं, जिनकी वजह से मैं डरा डरा सा रहता हूँ। कभी कभी देर रात तक मैं सो नहीं पाता। उस एक हादसे की वजह से जो मेरे साथ पेश आया जब मैं एक छोटा सा बेबी था। मैं अपने रूम में सोया हुआ था और मेरी मॉम किचन में डिनर बना रही थी। उनके पास एक बेबी मॉनिटर था ताकि अगर मैं उठ जाऊं तो उन्हें पता लग जाए। तभी बेबी मॉनिटर से रोने की आवाज आई। तो वो फौरन ऊपर भागी, पर मैं आराम से सो रहा था। वो ये देख के कंफ्यूज हुई, पर वो फिर से किचन में काम करने लगी। फिर से वही हुआ, उनको फिर से मेरे रोने की आवाज सुनाई दी। वो वापिस ऊपर आई, पर मैं अब भी सो रहा था। उनको लगा शायद बेबी मॉनिटर खराब है, तो उन्होंने उसे बंद कर दिया और वापिस किचन में चली गई। कुछ देर बाद उन्हें फिर से मेरे रोने की आवाज आने लगी। इस बार वो थोड़ा घबरा गई और मेरे रूम में आई, पर मैं अब भी सो रहा था और बेबी मॉनिटर भी बंद पड़ा था। मेरी मॉम बहुत डर गई और पापा को कॉल की और सारी बात बताई। और फिर इस बेबी मॉनिटर से दोबारा रोने की आवाज आने लगी, पर इस बार वो आवाज बच्चे की आवाज से शुरू होकर किसी के चिल्लाने में बदल गई। मेरी मॉम बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई और फिर घर से बाहर आ गई और मेरे पापा का इंतजार करने लगी। इतने में पापा वहां पहुंच गए और उस दिन के बाद से करीब 4 साल तक कुछ नहीं हुआ, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। और जब 2005 में मैं 5 साल का हुआ तो फिर से मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटी। मेरी मॉम ने मुझे बताया, हम बहुत खुश थे और फिर अचानक मुझे एक काली ड्रेस में लंबी सी औरत दिखाई दी। मैं इस औरत को देखकर डरा नहीं और मैंने अपनी मॉम से पूछा, वहां वो औरत कौन है? वही औरत मॉम जो उस कॉर्नर में खड़ी है। उनको लगा शायद मैं उनसे मजाक कर रहा हूं। उन्होंने कहा, शैतानी मत करो, वहां कोई औरत नहीं है। मैं अब हल्का सा डरा और बोला, मॉम कसम से वहां वो औरत खड़ी है। और अब मेरी मॉम भी थोड़ा डर गई, लेकिन उन्होंने मुझे शो नहीं करवाया कि वो डर रही हैं। उन्होंने एक कदम पीछे लिया और बोली, देखो कोई नहीं है यहां। लेकिन मुझे वो औरत उनके ठीक पीछे खड़ी दिखाई दे रही थी। मैंने मॉम को बोला, वो अभी भी आपके पीछे खड़ी है और आपको गुस्से से देख रही है। वो थोड़ा घबरा गई और जस्ट उसी वक्त घर की बेल बजी और पापा आ गए। मॉम ने मुझे बताया, उनके जस्ट दरवाजा खोलने से पहले उनको अपनी गर्दन पे ठंडी हवा महसूस हुई और उस दिन के बाद अक्सर मुझे वो औरत दिखाई देती रही। मेरी मॉम पापा की मौत के बाद बिल्कुल अकेली हो गई थी। घर और बाहर का काम संभालने के साथ साथ छोटे भाई को भी संभालते संभालते अम्मी बहुत थक जाती थी। शदीद गर्मी के दिन थे। अम्मी छोटे भाई को साथ लेकर बड़ी मुश्किल से सख्त गर्मी में घर का कुछ सामान लेने निकली थी। वापिस आते आते काफी रात हो गई। छोटे भाई का भूख की वजह से रो रो के बुरा हाल था। थोड़ा दूर जाकर अम्मी को सड़क के किनारे एक बड़ा सा दरख्त नजर आया। अम्मी ने सोचा, इस दरख्त के नीचे बैठ के थोड़ा आराम कर लूं। अभी अम्मी को वहां बैठे थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि अम्मी को किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। मेरी कोई माँ नहीं है, क्या आप मेरी माँ बनेंगे? अम्मी बहुत खौफजदा हो गई और वहां से फौरन उठी और छोटे भाई को साथ लेकर तेजी से घर की तरफ चल पड़ी।
अब वो बच्चा उनको घर में हर जगह नजर आने लगा। अम्मी बहुत खौफ ज्यादा रहती थी और वो इस वजह से भाई की देखभाल भी नहीं कर पाती थी। वो खामोशी से अकेली अंधेरे कमरे में बैठी रहती थी। मुझसे अम्मी की हालत देखी नहीं जाती थी और ना ही मैं छोटे भाई को यूं रोता हुआ देख सकता था। इसलिए मैंने अम्मी को हमेशा के लिए इस खौफ से आजाद कर दिया। मैं ही वो बच्चा हूं जिसकी वजह से अम्मी का ये हाल हो गया था। बस कुछ सालों से मैं इस दरख्त पे रहता था। उस रात जब मैंने माँ और बेटे का प्यार देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोचा बस वो मुझे भी प्यार करे, इसलिए मैं उनके साथ उनके घर आ गया ताकि मैं उनके साथ रहूं। लोग कहते हैं रात को दरख्तों के नीचे नहीं बैठना चाहिए क्योंकि दरख्तों पे जिन और भूत बसते हैं। हो सकता है कोई जिन या भूत आपके साथ भी आपके घर तक आ जाए। जिगर और अनुराधा की शादी को 1 साल हो गया था। इस बार न्यू ईयर पर उन्होंने सोचा कि वो किसी अच्छी जगह पे घूमने जाएंगे। अनुराधा को शुरू से गोवा जाने का बहुत शौक था। उन्होंने गोवा में बहुत मजे किए और वो हर जगह पर घूमे। जिगर और अनुराधा रात को न्यू ईयर पार्टी के लिए किसी बार में गए। उन्होंने पार्टी में बहुत शराब पी ली थी और होटल वापसी पे रोड पे बहुत मस्ती कर रहे थे। अनुराधा की नजर वहां रोड साइड पे बने एक पुराने घर पर पड़ी। वो देखने में बहुत ही पुराना और डरावना लग रहा था। अनुराधा मजे मजे में जिगर के साथ इस घर के अंदर चली गई। शायद यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। घर के अंदर जाते साथ दोनों शोर मचाने लगे। इस दीवार पर एक फैमिली की तस्वीर लगी हुई थी। इस तस्वीर को देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो तस्वीर जिंदा हो और उसमें जो लोग हैं वो अभी बाहर आ जाएंगे। इसके पास पड़े सोफे पे खून के निशान भी नजर आए। और फिर अचानक उनको ऊपर वाले फ्लोर से कुछ गिरने की आवाज आई। जिगर और अनुराधा को लगा शायद घर में कोई है। अनुराधा घर में ऊपर की तरफ जाने लगी। अनुराधा ने ऊपर एक दरवाजा देखा। वो दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। अनुराधा इस कमरे के अंदर गई लेकिन इसने कुछ ऐसा देखा जिससे इसकी रूह तक कांप गई। कमरे के एक कोने में जिगर खड़ा था लेकिन वो बहुत अजीब लग रहा था और अनुराधा को ही घूर रहा था। और अचानक जिगर अनुराधा की तरफ आया। ये देखकर अनुराधा बहुत खौफजदा हो गई। वो नीचे की तरफ भागी लेकिन वहां सीढ़ियों में उसने जो देखा वो देखकर अनुराधा बिल्कुल सहम सी गई। नीचे अनुराधा ने जो फोटो देखी थी, इस फोटो का हर इंसान अनुराधा के सामने खड़ा था। शायद वो इन लोगों की आत्मा थी जो अनुराधा को घूर रही थी। उनमें से बच्ची अनुराधा की तरफ आई और इसका गला पकड़ लिया और अपनी खून सी भरी आंखों से अनुराधा को देखने लगी। और देखते ही देखते अनुराधा की आंखों में खून उतर आया और वो चिल्लाते हुए वहीं बेहोश हो गई। जब अनुराधा की आंख खुली तो वो होटल में अपने रूम में थी और जिगर इसके सामने खड़ा था। वो बहुत खौफजदा थी। जिगर ने इसको बताया। इसके ऊपर जाने के बाद इसने उसकी चीख सुनी।
और वो ऊपर की तरफ भागा और उसने अनुराधा को सीढ़ियों के पास डरा हुआ देखा। वो फिर अनुराधा की आंखों से खून आने लगा और फिर अनुराधा जोर से चीखी और बेहोश हो गई। ये सब सुनकर अनुराधा को कुछ समझ नहीं आया कि उस रात उसके साथ उस घर में क्या हुआ था। इस हादसे के बाद अनुराधा कई महीनों तक डरी डरी रहती थी। उसको ऐसे लगता था कोई उसके आसपास है, लेकिन इन दोनों को ये कभी नहीं पता लग सका कि वो फैमिली कौन थी और उनके साथ क्या हुआ था। कहानी 1984 कर्नाटका के एक छोटे से शहर की है। शहर में कई दिनों से काफी हलचल मची हुई थी। रोज रात को शहर से कोई ना कोई मर्द घर से गायब हो रहा था। अभी शाम के कुछ 6 ही बजे होंगे, लेकिन शहर के लोग जल्दी जल्दी अपनी दुकानें बंद करके घर को लौट रहे थे। शाहनवाज ने देखा कि हर घर के बाहर नालेबा लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कल आना। इसने वहां पास ही एक बाबा से पूछा कि शहर में ये सब क्या हो रहा है। बाबा ने इसको बताया कि यहाँ शहर में एक लाल साड़ी वाली चुड़ैल घूम रही है। वो रोज रात को घरों के दरवाजे बचाती है और घर के अंदर से जो कोई मर्द होता है वो उसका नाम पुकारती है और वो मर्द इसकी आवाज सुनकर दरवाजा खोल देता है और फिर वो इस मर्द को अपने साथ जंगल में ले जाती है और मार देती है। इसीलिए इस चुड़ैल से बचने के लिए लोगों ने अपने घर के बाहर नालेबा यानी कल आना लिखना शुरू किया, ताकि वो चुड़ैल इनके घर आज की बजाय कल आए। शाहनवाज को कल के लिए एक अच्छी खबर तो मिल गई और अब वो वापस अपने घर के लिए निकला, लेकिन थोड़ी ही दूर जाते साथ इसकी बाइक पंचर हो गई। रात हो गई थी और आसपास कोई नहीं था, सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे। अचानक से शाहनवाज को लगा इसके आसपास कोई है, वो घबरा गया और आवाज इसके पास आती चली जा रही थी। किसी ने बहुत मधुर सी आवाज में इसका नाम पुकारा, शाहनवाज, शाहनवाज। शाहनवाज ने जैसे ही शीशे में देखा एक वही छोड़कर भागा और एक घर के अंदर चला गया और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। इसको दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी और अजीब सी आवाजें आने लगी। वो बहुत बुरी तरह डरा हुआ था। जब बिल्कुल खामोशी हो गई तो इसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, पर फिर सुबह हुई तो शाहनवाज इस घर में बेहोश पड़ा था। वो दिन और आज का दिन शाहनवाज को कुछ नहीं पता कि उस रात क्या हुआ था। लोगों ने कहा कि वो इस शहर का नहीं, इसलिए इसके साथ कुछ नहीं हुआ और इसके बाद इस चुड़ैल का कोई किस्सा सुनने में नहीं आया। आज भी वहाँ सब घरों के बाहर नालेबा लिखा है।